सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम सब 2014 को मैप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, हम सब ने पिछले वीडियोस में 2019, 18, 17, 16, 15 के मैप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ओके, इफ़ यू हैव नॉट सीन, यू गो बैक एंड वॉच द वीडियो। ओके, आप देख सकते हैं। तो आज हम सब 2014 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंशियंट कैपिटल के बारे में बताइए। एंशियंट कैपिटल, तो कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एक साल आप एक ना एक क्वेश्चंस एंशियंट कैपिटल में देखेंगे ही। तो यहाँ पर पहला पूछ रहा है ये आपका, ओके, तमिलनाडु, ये केरला। ओके, तो तमिलनाडु में एंशियंट कैपिटल कौन था, तो उस प्लेस को पहले आपको लिखना है। ओके, गंगाईकोंडा चोलापुरम, तो ये कैपिटल था एंशियंट कैपिटल कहाँ के, तमिलनाडु के। सो आप इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, तमिलनाडु एक स्टेट्स में है, तो आप ये एक पॉइंट्स लिख सकते हैं। इट इज़ अ विलेज लोकेटेड नियर जयंकुंडम अड़ियालू डिस्ट्रिक्स तमिलनाडु में, तो ये आप आइडेंटिफाई कर दिए उसके लोकेशंस को। दिस इज़ वन पॉइंट, ऑलवेज हैज़ टू बी रिटन वन एवर द प्लेसेस हैज़ टू बी आस्क्ड। ओके, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट बिकम्स द कैपिटल ऑफ द चोला डायनेस्टी, ये किसका कैपिटल बन गया था, चोला डायनेस्टिक से। एंड कब बना था, 1025 में बना था। ओके, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द राजन चोला वन एंड सर्व्ड एज द चोलास कैपिटल फॉर अराउंड 250 ईयर्स तक सर्व किया गया था। ओके, ये गंगाकोंडा चोलापुरम 250 साल तक कैपिटल बना रहा था, कहाँ का, चोला डायनेस्टिक्स का। ना यदि तीसरा पॉइंट आपको यदि लिखना होगा तो इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा ये गंगाकोंडा चोलापुरम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया। एंड लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, द सिटीज वर फाउंडेड, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, इट वॉज राजेंद्र चोला वन टू कॉमोबरेट। ओके, कॉमोबरेट किस विक्ट्री को दिखाने के लिए, राजेंद्र चोला वन किसके थे, चोला डायनेस्टिक से, और पाला डायनेस्टी ये सब बगल में थे, जो विक्ट्री हुआ था उसको कॉमोमोरेट मीन्स दिखाने के लिए ये गंगाकोंडा चोलापुरम को कैपिटल बनाया गया था, सो फाउंड किया गया था। सो दिस वाज द वन क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, व्हाट इज asking about that. So आप second questions में देख सकते हैं अ पैलोलिथिक साइट, तो आपको पैलोलिथिक साइट्स बताना है कि कौन था। तो पहले देख लेते हैं कहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए, ये दूसरा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में पैलोलिथिक साइट्स कौन कौन मिले हैं, तो एग्जैक्ट प्लेस आपको निकालना होगा ये किस पैलोलिथिक साइट्स के बारे में बात किया जा रहा है। इट वॉज बिम्बेतका, तो वो प्लेस का नाम है बिम्बेतका, जो आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं, रॉक सेटल्स इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, दूसरा पॉइंट्स लिख सकते हैं, मेनली पैलोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड्स यहाँ पर मिले हैं। ओके, एंड तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है। एंड वहाँ के जो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, फ्लोर पैप्ड विथ फ्लैट स्टोन स्लैब्स फाउंड, वहाँ पर ये मिले हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, वहाँ पर कोई भी बोन्स अभी तक नहीं मिले किसी भी जानवर आदमी का, सो दिस इज़ समथिंग यूनिक, सो नो बोन हैज़ बीन फाउंड सो फार, है ना। तो ये बिम्बेतका का था। सो होप यू हैव अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, सी ईच एंड एवरी थिंग इज़ डिस्कस इन अ वेरी प्रिसाइज वे। ओके, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लिखे गए हैं हर एक। ओके, तो यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शंस में जाके ले सकते हैं। ओके, लिंक प्रोवाइड किया गया है, जस्ट गेट इट एंड डाउनलोड द PDF।